उत्तराखंड में बुधवार से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के कारण पूरे प्रदेश में जान और माल दोनों का बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटे में बारिश के कारण 11 मौत हो चुकी हैं, जबकि अभी भी 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं इस विषय पर राज्य आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि भारी बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, सोनप्रयाग और नैनीताल में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि केदारनाथ में बादल फटने के चलते पैदल मार्ग से लिचोली और भीमबली के पास 700 से ज्यादा श्रद्धालु फंसे हैं, जिनको रेस्क्यू कराने का काम जारी है। इसके आगे विनोद कुमार सुमन ने कहा कि प्रदेश में आपदा के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से एयर रेस्क्यू के लिए भी मदद मांगी गई है, जिसमें वायुसेना के MI-17 और चिनुक हेलीकॉप्टर की मांग की गई है, जिससे कि रेस्क्यू में तेजी आएगी और केदारनाथ में फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बताना चाहते हैं कि कल से लगातार बरसात हो रही है, अभी दिन में रुका है बरसात, तो उससे काफ़ी डैमेजेस हुए हैं, हमारे रास्ते बहे हैं, कुछ पुल टूटे हैं। जनपद रुद्रप्रयाग में एक वैली ब्रिज और एक लकड़ी का पुल टूटा है और रास्ता हमारा करीब 20-25 मीटर वॉश आउट हुआ है, तो जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कार्रवाई की जा रही है। एक व्यक्ति की मृत्यु भी हुई है। जो लोग फंसे हैं उनको, उनमें से लगभग हमने अब तक 400 से अधिक लोगों को निकाल लिया है। हमारे 4 हेलीकॉप्टर थे, एक 5वां हेलीकॉप्टर भी यहाँ से भेज दिया गया है। हमने भारत सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हमने भारत सरकार से अनुरोध किया था, तो वहाँ से भी हमें 2 MI-17 या एक MI-17 और एक चिनुक हेलीकॉप्टर मिल रहा है, तो उससे भी रेस्क्यू करेंगे। तो हमारा भीमबली में, लिंचौली में जो लोग हैं उनको निकालने का काम चल रहा है और जो केदारनाथ जी में रुके हैं उनको भी लाने का काम करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं जल्दी उनको निकालेंगे।